नमस्कार दोस्तों, सीएस बी सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2023 के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय को दी जाएगी। तो क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाई गई है, यानी कि क्या 52,500 की गई है? दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में समझेंगे। यदि अभी तक आपने सीएस बी सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच को देखते हैं तो उसमें कहा गया था कि सैलरीड क्लास और पेंशनर के लिए, इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन के लिए, एक नया बेनिफिट एक्सटेंड किया गया है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का नई टैक्स रेजीम में, जिससे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 52,500 का फ़ायदा होगा यदि उनकी इनकम 15,50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये कैलकुलेशन किस प्रकार की गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो नई टैक्स रेजीम है उसे समझना होगा। दोस्तों, ये नई टैक्स रेजीम जो कि फाइनेंस बिल 2023 से पहले थी, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी कि 2,50,000 रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद 2,50,000 रुपये से यदि इनकम एक्सीड हो जाती है, 5,00,000 रुपये तक रहती है तो 5% टैक्स रेट था। यदि 5,00,000 से एक्सीड हो जाती है, 7,50,000 रुपये तक रहती है तो 10% टैक्स रेट था। यदि 7,50,000 रुपये से एक्सीड हो जाती है, 10,00,000 तक रहती है तो 15% टैक्स रेट था। और 10,00,000 से एक्सीड कर जाने पर 12,50,000 रुपये तक 20% टैक्स रेट था। 12,50,000 से एक्सीड होने पर 15,00,000 रुपये तक 25% टैक्स रेट था। और 15,00,000 से ऊपर 30% टैक्स रेट था। तो दोस्तों, अब नई टैक्स रेजीम में ये टैक्स स्लैब जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, 7 स्लैब रेट थे, एक तो इन्हें अब 6 कर दिया गया है। दूसरा, पहले 2,50,000 रुपये तक टैक्स नहीं लगता था, अब नई टैक्स रेजीम में 3,00,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, आप ये नई टैक्स रेजीम देख सकते हैं जिसमें कि अब टैक्स स्लैब चेंज किए गए हैं फाइनेंस बिल 2023 के द्वारा। एक तो जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 3,00,000 रुपये कर दी गई है, उसके बाद जो स्लैब है वो 6 किए गए हैं। तो 3,00,000 से 6,00,000 रुपये तक इनकम पे 5% टैक्स होगा। 6,00,000 से एक्सीड होने पर इनकम 9,00,000 रुपये तक 10% और 9,00,000 से एक्सीड होने पर 12,00,000 रुपये तक 15%, 12,00,000 से एक्सीड होने पर 15,00,000 रुपये तक 20% और 15,00,000 से ऊपर होने पर 30% टैक्स रेट होगा। इस प्रकार जो 25% वाला टैक्स रेट था उसे ख़त्म किया गया है। तो दोस्तों, हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 15,50,000 रुपये सैलरी थी फाइनेंस बिल 2023 से पहले। जो कैलकुलेशन होती थी दोस्तों, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी सैलरी में से नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत। तो आपका 15,50,000 के ऊपर यदि आप टैक्स कैलकुलेट करते थे तो पहले 2,50,000 के ऊपर नील था, उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करते थे तो अगले 2,50,000 के ऊपर 5%, उसके बाद के 2,50,000 के ऊपर 10% और उसके बाद का जो स्लैब रेट है उस पर 15% और उसके बाद 20% और उसके बाद 25% टैक्स रेट और 15,00,000 से ऊपर होने पर 30% टैक्स रेट। इस प्रकार जो टोटल टैक्स बन जाता था 2,02,500 बन जाता था। लेकिन अब नई टैक्स रेजीम में मान लीजिए सैलरी सेम है तो उस केस में अब उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि ओल्ड टैक्स रेजीम में मिलती थी 50,000 रुपये की, वही नई टैक्स रेजीम में कंटिन्यू की गई है। तो इस प्रकार अब उसकी नेट इनकम 15,00,000 रुपये हो जाएगी टैक्स पेयर की। तो यहाँ पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, पहले 3,00,000 रुपये पे 0, उसके अगले जो 3,00,000 रुपये का अमाउंट होगा उसके ऊपर 5%, उससे नेक्स्ट जो 3,00,000 रुपये का अमाउंट होगा उसके ऊपर 10%, उसके आगे का जो 3,00,000 रुपये है उसके ऊपर 15% और उसके बाद 3,00,000 रुपये के ऊपर 20%। तो इस प्रकार जो टोटल टैक्स है यहाँ पे नई टैक्स रेजीम में आफ्टर फाइनेंस बिल 2023 1,50,000 रुपये ही बनेगा। तो यहाँ पे जो बेनिफिट हुआ है टैक्स पेयर को वो 52,500 का हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अब नई टैक्स रेजीम में आपको अलाउ की जाएगी असेसमेंट ईयर 2024-25 से। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट बढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट नहीं बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की गई है नई टैक्स रेजीम में, जैसे कि ओल्ड टैक्स रेजीम में आपको मिलती थी 50,000 की डिडक्शन यदि आपकी सैलरी से या फिर पेंशन से इनकम होती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी फैमिली पेंशन से इनकम है तो उस केस में कितनी डिडक्शन मिलेगी, इसके लिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो डिडक्शन का सेक्शन है वो देखना होगा। दोस्तों, यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 57 के अंतर्गत मिलती है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रेजीम में ही आपको मिलती थी। यानी कि जो 1/3 अमाउंट था आपका पेंशन का
उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते थे और मैक्सिमम 15,000 रुपये तक ही क्लेम कर सकते थे। अब ये जो फैमिली पेंशन की डिडक्शन है वो नई टैक्स रेजीम में भी अलाउ की जाएगी। दोस्तों इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये भी कहा गया था कि 7 लाख रुपये तक की इनकम पे नई टैक्स रेजीम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी एड के अंतर्गत मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की 7 लाख की इनकम है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद 6,50,000 रुपये की उसकी इनकम आ जाती है। इसके अलावा मान लीजिए उसकी अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे कि 5,000 का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और FD का इंटरेस्ट है, तो टोटल 7 लाख रुपये बन जाता है। अब उसे कोई डिडक्शन और नहीं मिलेगी जैसे कि 80C के अंतर्गत LIC PPF एक्स्ट्रा की नई टैक्स रेजीम में। तो इस 7 लाख रुपये के ऊपर यदि आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख रुपये की इनकम पे 5% और उसके ऊपर जो एक्सीडिंग इनकम है 1 लाख की उसके ऊपर 10%, यानी कि टोटल टैक्स 25,000 रुपये का बन गया। अब दोस्तों इस टोटल 25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि 87A के अंतर्गत जो रिबेट मिलती है सेक्शन में उसमें भी अमेंडमेंट की गई है कि यदि कोई व्यक्ति नई टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेता है और उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपये तक रहती है तो उस केस में उसका जो पूरा टैक्स पेबल होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी रिबेट मिल जाएगी 87A के अंतर्गत। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये भी कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति की एनुअल इनकम 9 लाख रुपया है तो उस केस में अब उसे नई टैक्स रजीम में सिर्फ 45,000 रुपये का ही टैक्स पे करना होगा, जो कि उसकी टोटल इनकम का सिर्फ 5% ही बनेगा। यदि फाइनेंस बिल 2023 से वो कैलकुलेशन करता नई टैक्स रजीम में तो उस केस में उसका टैक्स 60,000 रुपया बनता है। इस प्रकार उसका जो टैक्स है वो 25% कम हो गया है। इसी प्रकार यदि कोई इंडिविजुअल जिसकी के इनकम 15 लाख रुपया है तो उस केस में उससे सिर्फ 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपये का ही टैक्स पे करना होगा, जो कि 10% होगा उसकी इनकम का। और यदि फाइनेंस बिल 2023 से पहले की टैक्स रेजीम को देखा जाए नई टैक्स रेजीम को तो उस केस में उसे 1,87,500 का टैक्स पे करना होता था। इस प्रकार अब ऐसे टैक्सपेयर का भी टैक्स 20% कम हो गया है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आप नई टैक्स रेजीम ऑप्ट करते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है 3 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से छूट नहीं दी गई है। हाँ, आपको टैक्स नहीं पे करना है यदि आपकी जो टोटल इनकम है 7 लाख रुपये से कम रहती है और आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करते हैं। दोस्तों आपको नई टैक्स रेजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप पुरानी टैक्स रेजीम में ही टैक्स भरना चाहते हैं तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको ऑप्शन चूज़ करनी होगी कि आप पुरानी टैक्स रेजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। और यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट होगी उससे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक फॉर्म फाइल करना होता है कि आप पुरानी टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज आपका जो टैक्स है वो नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।